चुनाव 2020 विधानसभा का जो प्रथम चरण का चुनाव है हमारे जिला में 28 अक्टूबर का, इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में हवा नहीं आंधी है। विगत 15 साल में जो नीतीश जी का नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, इसको अद्वितीय विकास कहा जाए, जिसे भारत क्या पूरे विदेश में भी चर्चा के विषय बन गया। जिस बिहार को कहने से लोग कतराते थे, बिहारियों का अपमान मिलता था, आज पूरे भारत में सम्मान के साथ बिहारियों का नाम लिया जाता है। हम बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए हम तमाम सभी एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वजीरगंज के अति पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज तथा महादलित समाज तमाम एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिए हैं। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि इस जिले में एनडीए के उम्मीदवार जहाँ भी हो, बेलागंज हो, गुरुआ हो, जहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं, बेलागंज सीट, अन्य सीट निश्चित रूप से एनडीए को मजबूती प्रदान करेगा और हमारा उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। और आने वाला समय में पुनः एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में की सरकार बनेगी और बिहार का जो विकास है उनको आगे बढ़ाने के नीतीश जी काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 2020 का विधानसभा चुनाव में हम लोग वजीरगंज के निवासी हैं, हम लोग सभी कुशवाहा बंधु लोग निर्णय लिए हैं कि एनडीए को वोट करेंगे और विकास की समृद्धि के लिए वोट करना है। जो 15 साल नीतीश जी का शासन हुआ बहुत अच्छा चला, हम लोग कहीं बाहर जाते तो बिहारी कहने से डरते थे, लेकिन आप गर्व से सीना चौड़ा कर करके कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और हम लोग वजीरगंज के तमाम कुशवाहा बंधु एनडीए को, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह को वोटिंग करने जा रहे हैं और भारी बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। 20 का विधानसभा चुनाव जो है सो नीतीश जी के पक्ष में बहुत अच्छा है। भाजपा दोनों मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं यह सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए हैं। जो 15 सालों का शासन चला इसे जनता बहुत रिलीफ महसूस कर रहा है, गरीब जनता तक इसका फायदा दिखने को मिल रहा है। इसलिए सभी भी व्यक्ति करीब करीब से सभी जाति का वोट इन एनडीए को मिलने जा रहा है, किसी भी तरह से कहीं कोई कटौती नहीं हो रहा है, क्योंकि यह सभी जाति का वोट इसमें डाला जाता है। इसमें जाति विशेष का वैसा कुछ नहीं दिखने के मिलता है, लेकिन सभी जाति का वोट इसमें अपने आप गिरता है। इसलिए बिहार में नीतीश जी बेलागंज सभी का मिलजुल कर सरकार बनाने का कोशिश होगा। पुनः नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हम सभी वजीरगंज विधानसभा में हैं और वजीरगंज विधानसभा में प्रथम चरण 28/10/2020 को चुनाव होना है। वजीरगंज से कुशवाहा बंधुओं के साथ साथ अति पिछड़ा
दलित महादलित सारे लोग यह मन बना लिए हैं कि विगत 15 सालों में नीतीश कुमार के का जो कार्यकाल रहा और इधर अंत का 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें इनका एक महत्वपूर्ण कार्य 7 निश्चय योजना का कार्य ऐसा दिखा कि अंतिम पादान पर पहुंचे व्यक्ति तक भी इसका लाभ नल जल योजना से, नली गली पक्की नली गली योजना से अंतिम पादान पर पहुंचे व्यक्ति को भी लाभ मिला है। और यहाँ पे सारे लोग महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भय महसूस नहीं करते हैं। आज रात में भी लोग यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं। इनका देन नीतीश कुमार हैं, इसीलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से यह मन बनाए हैं कि फिर से NDA की सरकार को समर्थन देकर नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी पर बैठाएंगे। और वजीरगंज से NDA के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र सिंह जी को भारी से भारी मतदान करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि वहां जाकर यह नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें। बिहार विधानसभा 2020 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके प्रथम चरण जो 28 अक्टूबर को होना सुनिश्चित हुआ है, इसमें हमारे NDA के प्रत्याशी बजवन विधानसभा क्षेत्र से श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी का नाम आया है। और हम सभी बजवन के कुशवाहा बंधु, अल्पसंख्यक, महादलित यह फैसला कर चुके हैं कि हम सभी बजगन के जो तमाम जनता हैं, हमारे जो प्रत्याशी वीरेंद्रजीत सिंह जी हैं वो कर्मठ, ईमानदार, सुयोग्य व्यक्ति हैं। और हम यह माननीय नीतीश कुमार जी का जो 15 साल का हमारे बिहार के लिए न्याय के साथ, विकास के साथ जो उन्होंने कार्य किए हैं, जैसे उनका महत्वपूर्ण काम बहुत सारा है, जैसे बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक सोचते हैं, जिसमें माननीय का एक जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय योजना, वो इनका ऐसा पहल योजना है को जो हर एक मानव को दरकिनार करने के लिए विवश करता है। जैसे कि इनका 7 निश्चय योजना जल जीवन हरियाली, यह अनुकरण इनका अनुकरण करके एक बार भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लोग भी पूरे देश में जल जीवन हरियाली 7 निश्चय योजना का चयन करेंगे। तो मैं प्रखंड प्रमुख पति के नाते यह कहना चाहता हूं कि NDA जो फैसला कर चुके हैं कि भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, तो हम लोग तमाम बजगंजवासी यह सोचते हैं कि गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बेलागंज, गुरुआ, अतरी इत्यादि वगैरह हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हम लोग 10 विधानसभा से जाएं, तो NDA के 100% का चुनाव जीत के जाएं, ताकि माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कर दोबारा सत्ता पर काबिज करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनावी मौसम चल रहा है, और ये प्रथम चरण में जो हम लोग का गया जिला में जो मतदान होने जा रहा है पूरे चरम सीमा पर है। और इस चुनावी मौसम में हम सभी बजीरगंजवासी बजीरगंज विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार, जो कि इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, विश्वास पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, न्याय के साथ जो विकास का सरकारें चला रहे हैं बिहार में, यहाँ बजीरगंज से गठबंधन के प्रत्याशी माननीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी को भाजपा से उम्मीदवार बनाया गया है। और हम लोग पूरे बजीरगंज विधानसभा में सारे लोग घूमने का काम किए हैं, और ख़ास करके हम लोग कुशवाहा समाज से जो भी प्रतिनिधि हैं,
मुखिया हैं, प्रमुख हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, सारे सभी व्यक्ति हम लोग बीरेंद्र सिंह के साथ दिन रात एक करके मेहनत करके इन्हें भारी मतों से चुनाव जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें देखने को मिल रहा है कि सारे अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सारे व्यक्ति में बीरेंद्र सिंह के नाम पर भारी उत्साह है, क्योंकि ये बीरेंद्र सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि ये बहुत ही सहज रूप से अपने क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद ही पाँचों साल तक उपलब्ध रहे। तो इनका देन है कि क्षेत्र में सारे लोग इनको नाम से जानता है कि आदमी बहुत सुलभ ढंग से हाजिर रहते हैं, सबके सामने रहते हैं, बीच में रहते हैं। और जो हम लोग का समाज जो है एकमुश्त बीरेंद्र सिंह के साथ खड़ा है और सारे मिलकर के भारी वोट से चुनाव जिताएंगे। और जो अभी पूरे बिहार में जो देखने को मिल रहा है, सारा कुशवाहा समाज मास लेवल पर अभी एनडीए के साथ खड़ा है और फिर से चौथा बार 20वां साल का कार्यकाल के लिए पूरे कुशवाहा समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से बनाने के लिए तत्पर है। और गया जिले के खास करके बेलागंज विधानसभा में भी हम लोग सारे लोग टीम बना के घूमने का काम किए थे, सारे जगह मुआयना लिए थे। बेलागंज चुनाव से भी अभय कुशवाहा जो जदयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, भारी मतों से इस बार वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं और 30 वर्ष का वहाँ जो जंग लगा हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं अभय कुशवाहा। और उसके साथ ही गया जिला में पूरे 10 विधानसभा में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा और सारे जगह से एनडीए का जीत दर्ज होगा और भारी बहुमत से नीतीश कुमार का सरकार बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अति पिछड़ों को जो पंचायत चुनाव जो आरक्षण दिए, उस आरक्षण के चलते जो प्रतिनिधि चुन करके आए, मुखिया हों, जिला परिषद हों, प्रमुख हों, पंचायत समिति हों, आज हम लोग को भी देखने के लिए मिल रहा कि जो व्यक्ति अति पिछड़ा का बेटा या बेटी जो प्रमुख नहीं बनता, चेयरमैन नहीं बनता, खास करके मेरे बजरगंज ब्लॉक और गया जिला में तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि अति पिछड़ा का बना हुआ है, पूरे बिहार में परचम। इसलिए इस चीज को पूरा अति पिछड़ा पूरे बिहार में नहीं भूलना चाहता। महिलाओं को सम्मान जो इज्जत दिए, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, लड़कियों को जो प्रोत्साहित किए, लड़कियां स्कूल जाने लगी, महिला निडर होकर चलने लगी। आज हम लोग 15 साल पहले रात के 6 बजे के बाद भी हम लोग गया से जब बजरगंज जाना रहता था तो हम लोग 4-5 बजे चलाते थे घर, अभी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, नहीं रात दिन का फर्क नहीं है कि दिन कब हुआ रात कब हुआ। ये सुशासन का देन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन। इसलिए अभी कुशवाहा समाज का नेता पूरे बिहार में नीतीश कुमार हैं और इनके अलावा किन्हीं का नेतृत्व हम लोग को ही पसंद नहीं है, आने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और सारा समाज मिल करके पूरे बिहार में और इस गया जिला में 10 विधानसभा में कुशवाहा समाज तन मन धन से साथ दे करके सारे उम्मीदवार को जिताने का काम कर रहे हैं और फिर से नीतीश कुमार का सरकार, न्याय के साथ विकास का सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसमें हम लोग भी साक्षात गवाह बनने जा रहे हैं। नीतीश जी ने जो काम किए हैं, हर घर में नल जल, हर घर में शिक्षा का विकास, हर घर में प्रौढ़ शिक्षा, नली गली का जो सुधार किए हैं, इससे तमाम जनता अमीर से गरीब तक सभी खुश है और इनका खुशहाली का विजय इस वर्ष भारी मत से मिलेगा। इसके लिए जो है सो कोई जाति विशेष पर नहीं, हर कास्ट का जात जो है से इनसे खुश हैं और इन्होंने न्याय के साथ जो विकास किए हैं, विकास का जो गंगा बहाए हैं, ये पृथ्वी पर पहला मुख्यमंत्री हैं जो कि इस तरह का रचना को रचे हैं। इनका विकास से महिला से लेकर के बच्चा तक के सभी खुश हैं और ये आगे जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में उन्होंने भारी मत लावेंगे और सभी जगह इनका प्रत्याशी का जीत होगा। यहाँ वजीरगंज विधानसभा में वीरेंद्र सिंह का जो अति मिला है, कैंडिडेट दिए हैं, ये भी ईमानदार हैं, पहले भी इन्होंने बहुत काम किए हैं, हार जाने के बावजूद भी ये जनसंपर्क में जुटे रहे और आज तक के उनका समर्थन जो है से पुनः वापस होकर के उन्होंने भारी मत से वीरेंद्र सिंह यहाँ से जीतने का काम करेंगे। बेलागंज से अभय कुशवाहा जो हैं वो भी इस वर्ष जो है से रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, वहाँ जंग जो लगा हुआ था उस जंग को धोने का काम कर रहे हैं, वहाँ का भी
सारा जनता खुश है कि इस वर्ष जो है से बेलागंज में जोड़ा मिला है, कैंडिडेट नहीं जोड़ा मिला है, 19 नहीं 20 मिले हैं, और इस वर्ष जो है से बेलागंज को भी दिखा देंगे कि किस तरह का चुनाव हुआ। वहां से भी उन्होंने भारी मत से अभय कुशवाहा जीतेंगे और एनडीए का सरकार जो है नीतीश कुमार पुनः गद्दी पर बरकरार रहेंगे। इसके लिए तमाम जनता प्रयास में है, हम कुशवाहा तमाम बंधु भाई जो हैं से उनका कार्य में जुटे हुए हैं और पूरे बिहार का भ्रमण करके उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। वजीरगंज विधानसभा 2020 में जो होने वाला है उसमें वजीरगंज विधानसभा से श्री वीरेंद्र कुमार सिंह हमारे प्रतिनिधि आए हैं और हम सभी ग्रामीण मिलकर के, सभी जनता मिलकर करके हम गया जिला के 100 सीट जिताने का काम करेंगे, जिसमें श्री नीतीश कुमार का हाथ मजबूत हो और फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावादारी करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।